अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, जहां जन जन की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम का विधि विधान से प्रतिमा स्थापित होगी, जिसका पूरे देश को इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं SB न्यूज से हमारे संवाददाता ईश्वर सिंह भिलाला की खास रिपोर्ट, रामलला का राज्याभिषेक। बनने और वहां प्रभु श्री राम के आगमन के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे प्रातः में विहिप द्वारा यह शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जो ग्राम नंदिनी से 8 सितंबर को शुरू हुई थी। सभी दूर भ्रमण कर यह यात्रा बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। विहिप के शिवाजी सोनी ने बताया कि यह हम सब के लिए खुशी और गर्व का पर्व है कि लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और अब वहां जन जन की आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्याभिषेक और उनकी स्थापना होगी, जिसका पूरे देश को इंतजार है। और उसी खुशी में यह शौर्य यात्रा निकाली गई, जो ग्राम नंदिनी से शुरू होकर साजापुर पहुंची है। शौर्य जागरण यात्रा के दौरान पूरा शहर भगवामय हो गया। यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं ने हाथों में भगवा ध्वज थामे रखा था, जो बता रहा था कि उन्हें मंदिर निर्माण और प्रभु श्री राम के अयोध्या पधारने का कितना उत्साह है। यही नहीं, शौर्य जागरण यात्रा में बालिकाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने अपने हाथों में हथियार थामे रखे थे, जिनका प्रदर्शन भी बालिकाओं ने किया, जिसे देख सभी ने इन बालिकाओं की प्रशंसा की और इनकी कला को सराहा। शौर्य जागरण यात्रा का पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। बस स्टैंड पर भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने यात्रा में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का साफा बांधकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं कई स्थानों पर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जलपान से भी स्वागत किया गया।